वेलकम फ्रेंड्स ए एम सिंह फॉर यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है आज भर दिन हुए बीपीएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट का सकारात्मक असर अब देखने को मिल रहा है ये देख सकते हैं सीएमओ बिहार का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और यहाँ पर आपको दिख सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की समस्या पर संज्ञान लिया है तथा इसके समाधान के लिए मुख्य सचिव एवं पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है नीतीश कुमार नौ बजकर छियालीस पी एम अगस्त दो का है तो उम्मीद कीजिए कि कुछ अच्छा निकल कर अब सामने आए क्योंकि आज जो भी चीज़ हुई वो ना सिर्फ आ, आ, मतलब स्टेट लेवल की मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया ने भी जी न्यूज हो आज तक हो ए बी पी न्यूज हो न्यूज़ ट्वेंटी फोर हो हर एक जगह कवर किया गया था छोटे से बड़े यूट्यूब चैनल के थ्रू कवर किया गया था प्रिंट मीडिया के थ्रू कवर किया गया था जितने भी शिक्षक संगठन थे छात्र थे सबके द्वारा मतलब क्योंकि आज पूरा पटना इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ था तो इसका संज्ञान लिया गया है और उम्मीद कीजिए कि जब संज्ञान लिया गया है तो कुछ पॉजिटिव निकल कर सामने आए और मेरा अपना कहना है आप सभी लोगों से चूँकि एज ऑफ नाउ एग्जामिनेशन डेट बीस और बाइस को टेंटेटिव है तो पहला काम जो भी फॉरम है वहाँ पर अपनी बातों को उठाना है कुछ ऐसे छात्र हैं जो परसेंटाइल या टू सिप्स को समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका नुकसान आगे क्या आने वाला है तो खैर उनसे कोई ज़्यादा मनमुटाव या ये कुछ नहीं करना है वो ना समझ हैं उन्हें माफ़ करना है और अपनी बातों को उठाते रहना है विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर ये काम आप कर सकते हैं लेकिन दूसरा इससे भी जो सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसको आपको करना करना ही है वो है कम समय में अपनी तैयारी को भी जारी रखना है क्योंकि अल्टीमेटली यदि बीस बाईस को एग्जामिनेशन होता है तो उसमें तो पार्टिसिपेट होना पड़ेगा ना अब जो भी चीज़ें होंगी वो तो कानूनी दायरा में ही होंगी कि कैसे आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है उस स्टेट को होता है या क्या होता है नहीं होता है क्या मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद या बस इस तरह के मतलब अधिकारियों को बुलाने के बाद कोई रिजल्ट निकल के आता है या फिर वो भी सिफर रह जाता है तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है इसीलिए तैयारी आपकी ज़ोरदार होनी चाहिए क्योंकि पहली बार ये परसेंटाइल सिस्टम के अंतर्गत एग्जामिनेशन हो रहा है तो अभी कोई नहीं कह सकता है आप सच में जो अपने आप को ब्रिलियन से ब्रिलियंट स्टूडेंट मानता है भले ही वो आपके सामने में कुछ भी कह ले, लेकिन उसको थोड़ा सा एक बार एकांत में ले जाकर पूछिए और दिल पर हाथ रख के पूछिए कि क्या तुम पास कर जाओगे इस कंडीशन में अभी कोई नहीं जानता है पहली बार है इसीलिए तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए जो बेसिक सेक्शंस हैं उसको करते रहिए और अपनी बातों को उठाते रहिए और इस तरह की चीज़ें भी कभी कभी होती हैं तैयारी के साथ लड़ाई सड़क पर उतरना क्योंकि ये दर्शाता है कि छात्र और जिंदा है अपनी मांग को लेकर के है कि नहीं यहाँ पे तानाशाही नहीं चल सकती है यहाँ पे मनमानी नहीं चल सकती है ये दर्शाता है बहरहाल जो भी रिजल्ट हो वो सब कुछ स्वीकार होगा लेकिन दोनों चीज़ को पैरेलल लेकर चलना है और इंतजार करना है कि आगे क्या कुछ घटित होने वाला है